अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक अहम टॉपिक है, एक अहम सवाल है मियां बीवी के ताल्लुक पर। दोस्तों, मियां बीवी खानदान के रिश्ते की वजह भी होते हैं और रिश्ते टूटने की वजह भी होते हैं। मियां बीवी राजी हो तो खानदान चलते हैं और अगर मियां बीवी राजी ना हो तो खानदान एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शौहर को बीवी के पास कब जाना चाहिए। इंशाल्लाह ये वीडियो सुनने वाले के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों, इंसान दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक रूह, दूसरा जिस्म। जिस्म में रूह ना हो तो जिस्म बेकार हैं और रूह हो और जिस्म ना हो तो रूह की कोई वैल्यू नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसानी जिस्म के कुछ ज़रूरत होते हैं और इंसानी रूह की भी ज़रूरत है। रूह की गिजा रूहानियत में है। बंदा नेक काम करे, रब की मान कर चले, बेचैन रूह को करार देने के लिए अल्लाह तबारक व ताला को याद करे, उसका जिक्र करे, यकीनन उससे रूह खुश होगी। उसके अलावा जिस्म भी है, अगर जिस्म को गर्मी लगती है तो उसके लिए ठंडक है। लोग पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं और जिस्म को राहत पहुंचाते हैं, और अगर जिस्म को ठंडी लगे तो उसके लिए लोग आग तापते हैं और रजाई लेते हैं और कंबल ओढ़ते हैं। इसी तरह जिस्म को भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है तो इंसान खाना खाता है, पानी पीता है, जिस्मानी जरूरियात को पूरा करता है। जिस तरह से इंसानी जिस्म को भूख प्यास लगती है उसी तरह से इंसानी फितरत में अल्लाह तबारक व ताला ने सोहबत भी रखी है। कुछ लोग जिस्म की आग बुझाने के लिए हराम काम करते हैं, कुछ लोग कोठों पर भी जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिस्म की ईमान की तरह हिफाजत करते हैं और किसी गलत काम की तरफ नहीं जाते। वो शादी करते हैं और जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं। कुछ लोग रूहानियत की तरफ जाए तो बीवी को भूल जाते हैं और कुछ लोग दुनियावी काम में लग जाते हैं तब भी बीवी को भूल जाते हैं। ये बात ठीक नहीं। इस्लाम जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई करने वाला दीन है। इस्लाम बीवी के हुकूक का भी ख्याल रखता है। बीवी से ज्यादा दूरी अच्छी नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक औरत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर दिन के वक्त रोजा रखता है और शाम के वक्त इबादत में गुजार देता है, उसे आप कुछ समझाइए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत की तकलीफ, शिकवा और शिकायत ना समझ सके कि औरत क्या कहना चाहती है। औरत को अगर शौहर की शिकायत करनी हो तो उन्हें यही सुलूक अपनाना चाहिए। तकलीफ राय में अपनी बात करनी चाहिए, सारा कच्चा चिट्ठा नहीं खोलना चाहिए। शिकायत ऐसी हो कि शौहर को महसूस भी ना हो सके। बहरहाल दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो औरत की बात सुनकर सोचने लगे, ये औरत क्या कहना चाहती है। उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हो बैठे हुए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि यह औरत क्या कह रही है, तो आपने फरमाया, यह औरत शौहर का गिला कर रही है, उसका शौहर उसे वक्त नहीं देता, यानी रात उसके पास नहीं गुजारता, उसकी जिस्मानी जरूरत को पूरा नहीं करता, रात इबादत में गुजार देता है और दिन रोजा रख कर गुजार देता है। तो आपने उसके शौहर को बुलवाया और उससे पूछा कि तुम अपनी बीवी को वक्त क्यों नहीं देते। शौहर ने इबादत का जिक्र किया तो आपने फरमाया, बीवी को वक्त दो। तो हजरत काब रजी अल्लाह ताला उन्होंने उससे कहा कि आप हर तीन दिन के बाद अपनी बीवी के पास जाया करें, बीवी का हक भी है, इबादत अपनी जगह पर है, बीवी अपनी जगह पर है, दोनों चीजों को साथ लेकर चलिए। इसी तरह से एक और वाकिया हदीस शरीफ में आता है जिसे बुखारी शरीफ से नकल किया गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ऐ अब्दुल्ला, क्या तुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन का रोजा रखता है और रात के वक्त कयाम करता है? मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी ही है, यानी मैं दिन का रोजा रखता हूँ और रात को कयाम करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा ना करो, बल्कि रोजा भी रखो, अफ्तारी भी करो, यानी कभी छोड़ भी दिया करो, और कयाम भी किया करो, और रात को सोया भी करो। इसी तरह तमाम जिस्म का तुझ पर हक है, तेरी आंखों का तुझ पर हक है, और तेरी बीवी का तुझ पर हक है। देखिए दोस्तों, इस्लाम बीवी का हक बता रहा है, इस्लाम आंखों का हक बता रहा है, इस्लाम जिस्म का हक बता रहा है, इस्लाम ये सब हुकूक बताकर इबादत की तरफ और भी तवज्जो दिला रहा है। कभी रोजा रखो, कभी अफ्तारी करो, इस्लाम बयान और रावी वाला दीन है। इस्लाम बता रहा है कि खाविन पर बीवी का यह हक है, खाविन उसके पास रात बसर करे। इब्ने कदामा हम्बली रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, जब किसी मर्द की बीवी हो तो उस पर लाजिम है, जरूरी है कि उसके पास कोई उज्र नहीं कि वो चार रातों में से एक रात उसके पास गुजारा करे। यहाँ दो बातें अहम है, एक वो लोग जो घर से दूर हैं और दूसरे वो लोग जो घर के करीब हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? जो घर से दूर हैं, जो कमाने के लिए गए हुए हैं या फौजी में हैं, जो सरहद पर पहरा देते हैं, उन्हें जल्दी छुट्टी नहीं होती, तो उन्हें चाहिए कि वो 4 से 5 माह के बाद अपनी बीवी के पास जाया करें, कुछ वक्त अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजार कर फिर वापस जाना चाहिए। उसकी मिसाल हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों के दौर से मिलती है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हों के दौर में जो लोग घर से दूर थे या सरहद पर थे, तो आपने उनके लिए 4 मवाद की छुट्टी रखी थी। चुनांचे ये वाकया मशहूर है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हों फौजियों के बारे में हुक्म यही था। उन्होंने फौजियों और सरहदी मुहाफिजों के लिए मुकर्रर किया था वो अपनी बीवियों से 4 महीने के लिए दूर रहे। जब ये मुद्दत पूरी हो जाती तो उन्हें वापस बुला लिया जाता और उनकी जगह दूसरे को भेज दिया जाता। जो लोग करीब हैं, उन्हें चाहिए हालत हैज में बीवी के करीब ना जाए। कुछ लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि हालत हैज में बीवी के करीब जाना ठीक नहीं है। दोस्तों, महीने में औरत के 10 दिन हैज के होते हैं। उन दिनों में औरत के ऊपर नमाज रोजा माफ है, नमाज उन पर कजा नहीं, अलबत्ता रोजा कजा है। दोस्तों, तफसील ये है, अगर हैज अपनी पूरी मुद्दत यानी 10 दिन में खत्म हो, खून बंद होते ही गुस्ल से पहले औरत से हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि गुस्ल के बाद हम बिस्तरी की जाए। अगर 10 दिन से पहले माहवारी खत्म हो गई, खून आता रहा, हम बिस्तरी दुरुस्त नहीं, बल्कि हैज खत्म होने के बाद जब औरत गुस्ल कर ले या एक नमाज का वक्त गुजर जाए, जिस तरह गुस्ल करके कपड़े बदल कर नमाज शुरू कर दे, उसके बाद हम बिस्तरी दुरुस्त होगी। जो लोग घर में होते हैं, उन्हें ये ख्याल करना चाहिए कि उन्हें औरत का सख्ती नहीं करनी चाहिए। उन दिनों के अलावा औरतों के पास जाना चाहिए, उनकी भी जिस्मानी हाजत होती है, उनकी भी जिस्मानी जरूरत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर काम का इस्लामी वक्त मुकर्रर किया गया है, हर काम इसी वक्त में करना चाहिए, किसी एक चीज का होकर नहीं रहना चाहिए। ये इस्लाम का मिजाज नहीं, इस्लाम के मिजाज को समझने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।